गुड गुड। थोड़ा हमको बताया करो ना, आप तो बोल ही नहीं रहे हो कुछ। मतलब मैं कुछ गलत अगर कहीं बोलूं तो आप बता दिया करो। ऐसे गलत तो मैं नहीं बोलूंगा, कोशिश करूंगा वही। अच्छा, इसको इधर करने के लिए इसको करने चाहिए। हाँ यार, अब पूरा हो गया। गुड। यार तो इतना मास्टर नहीं हूँ, थोड़ा कंप्यूटर हमें इतना ज्यादा नहीं आता, लेकिन काम भर आ जाता है। अभी वो मीना जी के है ना, हंसराज मीना जी के यहाँ मेरी पोस्टिंग हुई है ना, उनके यहाँ सीख रहा हूँ हंसराज जी से। वो धीरे धीरे सिखा रहे हैं मेरे को। अच्छा यार, अब चले एक्सीडेंट, ये इसमें से कई क्वेश्चन आते हैं। तो डेफिनेशंस दिए ट्रेन का, पैसेंजर ट्रेन क्या होती है, अदर ट्रेन क्या होती है, एक्सीडेंट। अब एक्सीडेंट पे आते हैं ना। देखो एक्सीडेंट बता रहा, फॉर द पर्पज ऑफ रेलवे वर्किंग, एक्सीडेंट इज एन अकरेंस इन द कोर्स ऑफ वर्किंग ऑफ रेलवे विच डज आर मे इफेक्ट द सेफ्टी ऑफ रेलवे, इट्स इंजन, रोलिंग स्टॉक, परमानेंट वे एंड वर्क इंस्टॉलेशन, पैसेंजर्स और सर्वेंट्स आर विच इफेक्ट्स द सेफ्टी ऑफ अदर, आर विच डज आर मे कॉज डिले टू ट्रेन और लॉस्ट टू द रेलवे। इनमें बहुत सारी चीजें क्या है, मतलब कि अगर डिले भी होता है और लॉस्ट टू रेलवे होता है उसके कारण, और कोई पैसेंजर इंजर्ड हो जाता है या सीरियस इंजर्ड हो जाता है या डेथ हो जाती है, वो सब सारी चीजें इसमें दिया हुआ है। ये चीजें तो है, लेकिन ये चीजें पूछेगा, पूछने वाला ये है कि मतलब ये बड़ा इम्पोर्टेंट यही चीज आ रहा है, सीरियस एक्सीडेंट एंड डिजास्टर। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जहां तक मेरा मानना है कि सीरियस एक्सीडेंट एंड डिजास्टर क्या है। एक्सीडेंट टू ए ट्रेन कैरिंग पैसेंजर विच इज अटेंडेड विथ लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ आर विथ ग्रीवियस हर्ट टू ए पैसेंजर आर पैसेंजर्स इन द ट्रेन आर विथ सीरियस डैमेज टू रेलवे प्रॉपर्टी ऑफ द वैल्यू एक्सीडिंग रुपीज, ये वाला इंपॉर्टेंट है यार, 2 करोड़, वैल्यू एक्सीडिंग 2 करोड़, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना और पढ़ लेना। एनी अदर एक्सीडेंट विच इज द ओपिनियन ऑफ, मतलब सीसीआरएस या सीआरएस के ओपिनियन में जो आ जाता है कि भाई वो इंक्वायरी उसकी करेंगे, वो सीरियस उसको मान रहे हैं, तो वो भी सीरियस माना जाएगा। होल्डिंग ऑफ एन इंक्वायरी बाय द जिसकी इंक्वायरी ये लोग कर रहे हैं, दोनों लोग सीआरएस या सीआरएस, आल्सो डीम्ड टू बी ए सीरियस एक्सीडेंट द फॉलोइंग शैल बी एक्सक्लूडेड। ये मतलब ये सब सारी चीजें जो ट्रेसपासर से रन ओवर हो जाता है, इन सबों को एक्सक्लूड कर दिया, इसको नहीं किया, ठीक है। और फिर अब डिजास्टर दे रहे हैं, ये भी इसमें से एक क्वेश्चन आता है कि डिजास्टर क्या होता है, और डिजास्टर को डिक्लेयर करने की जो पावर दी हुई है वो किसको किसको है। दोस्तों जो ये डिक्लेयर करने की पावर है ये आता है, अक्सर आता है, तो वो पावर है पहला हमारे जनरल मैनेजर साहब, दूसरा एजीएम साहब, और तीसरा अगर ये दोनों लोगों में से दोनों लोग नहीं हैं अवेलेबल, छुट्टी पे हैं कहीं भी हैं, ड्यूटी पे नहीं है, उस पीरियड में हमारे पीसीएसओ साहब जो हैं अगर वो अवेलेबल हैं तो वो उनको अथॉरिटी है कि मतलब कोई भी जो है वो सीरियस नेचर का है और उसको डिजास्टर डिक्लेयर करना है, तो वो पीसीएसओ एजीएम जीएम साहब, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, डिजास्टर इज ए सीरियस ट्रेन एक्सीडेंट आर एन अनटॉवर्ड इवेंट ऑफ ग्रेव नेचर। देखो ये भी बोल रहा है कि मतलब अचानक कोई हमारा भयानक कोई हादसा हो जाए, कुछ भी जो है कि जैसे अपना क्या बोलते हैं, भूकंप आ जाए, ये सब चीजें आ जाए, या इस तरह से नेचर नेचुरल कुछ कलामिटीज आ जाए जिसके कारण बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए हमारे रेलवे का, वो सब चीजें, तो उसको डिजास्टर माना, और उसको डिक्लेयर करने का जो हमारा अधिकार दिया हुआ,
आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत बहुत बड़ा चैप्टर है और हमारे पास अभी चार बजने वाले हैं, तो इसको बहुत फास्ट आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सीडेंट्स, पहला ट्रेन एक्सीडेंट, यार्ड एक्सीडेंट, इंडिकेटिव इक्विपमेंट फेलियर, अनयूजुअल एक्सीडेंट। ठीक है, तो ट्रेन एक्सीडेंट को ये परिभाषित किया इन्होंने, वही है जहां पे ट्रेन इन्वॉल्व है उसको ट्रेन एक्सीडेंट बोल रहे हैं। ट्रेन एक्सीडेंट आर फर्दर डिवाइडेड एज कॉन्सिक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट एंड अदर ट्रेन एक्सीडेंट। ये इंपॉर्टेंट है कि कॉन्सिक्वेंशियल ट्रेन होते हैं, हेजर एक्सीडेंट होते हैं, बड़े एक्सीडेंट होते हैं, सीरियस एक्सीडेंट होते हैं, तो इनको हमने जब हमें कोई हमारा एक्सीडेंट होता है ट्रेन का, इस तरह का कोई एक्सीडेंट होता है, तो उसको हम किस कैटेगरी में रखें। जैसे हर चीज के लिए मतलब सब बनाया हुआ है कि भाई इसको इस कैटेगरी में रख रहे हैं तो कैसे रख रहे हैं, मतलब कि वो मान लो हेड ऑन कोलिजन हो गया या फिर ब्रिज ऑफ ब्लॉक हो गया, इन सब चीजों को कहाँ कहाँ रखेंगे, तो वो पूरा एक सिस्टमेटिक ढंग से कैटेगरी बना के इन्होंने रखा है। तो जो क्लोजन को रखा है इन्होंने, आल केसेज अंडर कैटेगरी A1 टू A4 में रहेगा। तो A1 टू A4 को भी इन्होंने बाइफरकेट करके बताया हुआ है। ये आप लोग याद रखिएगा कि कैसे क्वेश्चन आएगा, वो भी आप लोग बता दूं कि वो पूछेगा क्लोजन को, जो क्लोजन होता है ट्रेन एक्सीडेंट क्लोजन होता है, तो उसको किस कैटेगरी में रखा जाता है। तो वो डाल देगा B1 टू B4, ये डाल देगा और लास्ट में दे देगा A1 टू A4। तो हमारा सही आंसर रहेगा A1 टू A4। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। फायर के लिए B1 टू B4, लेवल क्रॉसिंग का होगा तो C1 टू C4, रेलमेंट का ये, मिसलेनियस के लिए E1। ठीक है, अब इसी को वो जस्टिफाइड किया है, डिटेल में बताया है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। और अदर ट्रेन एक्सीडेंट्स हैं, ऑल अदर एक्सीडेंट विच आर नॉट कवर्ड अंडर डेफिनेशन ऑफ कॉन्सिक्वेंशियल एक्सीडेंट आर टू बी ट्रीटेड एज अदर ट्रेन एक्सीडेंट। दिस इंक्लूड्स एक्सीडेंट अंडर कैटेगरी B5, B6, देख आपने देखा ना, A1 A4 था, फिर B1 B4 था, तो अदर में B5 है, B6 है, C5 to C8 है, D5 एंड E2। ठीक है, अब यार्ड एक्सीडेंट में हमारा A4 तक तो हमने उधर ले लिया था, A5 आ रहा है, B7 आ रहा है, C9 आ रहा है, D6 आ रहा है। तो अगर वो पूछ दे यार्ड एक्सीडेंट किस में आता है, तो वो चीजें ये चारों आप लोग याद कर लीजिएगा, अन्यथा अगर ये चारों याद नहीं रहेंगे तो अपन तकलीफ में पड़ जाएंगे। दोस्तों ये याद तो करना पड़ेगा। और इंडिकेटिव एक्सीडेंट को हम रखते हैं FGH में, ठीक है, ये याद करना पड़ेगा आप लोग। और ब्रीच ऑफ ब्लॉक्स रूल्स क्या होता है, देखिए इसको पढ़ लीजिएगा कि ब्रीच ऑफ ब्लॉक में वो कई ऑप्शन दे देंगे, तो उसमें ये लिखा हुआ व्हेन ए ट्रेन इंटर्स ए ब्लॉक सेक्शन विदाउट एनी अथॉरिटी टू प्रोसीड, एक तो ये हो गया विथ एन इम्प्रॉपर अथॉरिटी टू प्रोसीड, या तो मतलब उसको अथॉरिटी दिया ही नहीं और आपका एडवांस स्टार्टर पास करके वो ब्लॉक सेक्शन में घुस गया, या पास किया लेकिन उसको जो अथॉरिटी है वो प्रॉपर नहीं दिया गया, वो भी ब्रिज ऑफ ब्लॉक्स में आता है, सीरियस चीज होती है। रिसीव्ड ऑन ए ब्लॉक लाइन, मतलब अगर आपने ब्लॉक दिया हुआ है और उस पीरियड में कोई गाड़ी मास्टर चला देता है तो वो भी ब्रिज ऑफ ब्लॉक कहलाता है। ठीक है, ये चीजें जरा पढ़ लीजिएगा। रोटेट क्लूजन भी ज्यादा कुछ नहीं इसमें पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। मतलब जैसे होते होते बचा, कोई एक्सीडेंट होते होते बचा, जैसे वहां अंधेरी में हुआ था ना कि ट्रेन हमारा उसको स्टार्टर सिग्नल दे दिया गया, एक ट्रेन डाउन में थी एक ट्रेन अप से आ रही थी, तो स्टार्टर सिग्नल दे दिया गया, उधर से वो होम सिग्नल उसको दिया नहीं गया था अप वाले को, और उसको लेना था दूसरी लाइन में, जो डाउन वाली ट्रेन थी उसके बगल में जो एक लूप थी उसमें लेना था कहीं। तो दोस्तों क्या हुआ, मैं सिंपल सा एक अवर्टेड ट्रांजिशन का
एग्जांपल बता रहा हूँ, ये गाड़ी स्टार्ट हुई और कुछ मैकेनिकल गड़बड़ी हो गई और वो जस्ट स्टार्टर के फ्रंट में खड़ा हो गया और उसको ड्राइवर को ये दिखा नहीं कि मतलब अगर मतलब वो उस समय उसको वो सोचा कि मैं अपनी गाड़ी सिग्नल के उस पार खड़ा कर दिया हूँ जबकि सिग्नल के उस पार खड़ा नहीं था। और मास्टर ने क्या किया कि देखा यार ये गाड़ी खड़ी है और इसमें कुछ मैकेनिकल डिफेक्ट आ गया है, तो उन्होंने अप वाली गाड़ी इसका सिग्नल उठा लिया और उसको अप वाली गाड़ी को लूप में ले लिया और उसी पीरियड में जब उसको सिग्नल दिया तो उसी पीरियड में ये सोचा मैं तो गाड़ी मेरी पास हो गई है तो उसने दूसरे मोटरमैन ने भी गाड़ी चला दी। तो अब इधर से ये जा रहा है और उधर से जो है कि वो आ रही है गाड़ी। तो दोस्तों जो अप वाला था वो विजिलेंट था और उसने जो है कि अपनी गाड़ी बोला यार यार ये तो गाड़ी चल दिया ये भी आ रही है इधर, तो उसने वो विजिलेंट था वो भी खड़ा हो गया और ये भी देखा कि अरे यार ये तो गाड़ी हमारी हमारी लाइन में दूसरी गाड़ी आ रही है, तो ये भी जो है कि ब्रेक मार के खड़ा हो गया। तो कुल मिला के कोलिजन तो बच गया लेकिन इस तरह के इंसिडेंट एवर्टेड में हम लेते हैं। ठीक है, स्पेड का तो केसेस आप लोग जान ही रहे हैं कि स्पेड बहुत ही डेंजरस चीज है। अगर आप किसी सिग्नल को डेंजर में पास करते हैं, खैर पहले तो बहुत ही डेंजरस था कि पहले तो इसको हम लोग बोलते थे कि भाई स्पार्ट हो गया तो नौकरी गई, लेकिन अभी लोगों ने स्पार्ट के बाद जो है कि बहुत सारे मतलब स्पार्ट कितने मीटर्स का हुआ उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जितना आप मतलब लोको पायलट जितना स्पार्ट लंबा किया है उसी हिसाब से उसकी पनिशमेंट तय होती है स्पार्ट में। और इक्विपमेंट फेलियर्स को किस कैटेगरी में लेते हैं दोस्तों? JKL एंड M। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको पढ़ रहे हैं, ये है एन इंजन इज कंसीडर्ड टू हैव फेल्ड, मतलब उसको फेल कब कंसीडर किया जाता है? व्हेन इट इज अनेबल टू वर्क इट्स बुक ट्रेन विद इन प्रेस्क्राइब लोड फ्रॉम स्टार्ट टू डेस्टिनेशन आर कॉजेज ए डिले इन अराइवल एट डेस्टिनेशन स्पेसिफाइड स्पीड नेमली 30 मिनट्स आर मोर इन केस पैसेंजर ट्रेन हॉल्ड बाई डीजल इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक इंजन एंड 60 मिनट्स आर मोर ऑल अदर केसेस ड्यू टू डिफेक्टिव डिजाइन आर मटेरियल। मतलब पैसेंजर ट्रेन के ये बोल रहे हैं 30 मिनट भी डिले हो गया तो उसको इंजन को फेल माना जाएगा, लेकिन अदर्स के लिए इन्होंने 60 मिनट दिया हुआ। तो ये चीज 30 और 60 याद रखना, ये आ सकता है। हालांकि आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना लोगों वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। अनयूजुअल इंसिडेंट, अनयूजुअल को हम लोग NPQ एंड R में लेते हैं। ठीक है, सीरियस डैमेज टू प्रॉपर्टी 25 लाख इन्होंने बताया हुआ। ठीक है, और इंजरीज को ग्रेवियस और सिंपल में हम डिफाइन करते हैं। अक्सर ये होता है कि मतलब इंजरीज हुई कितने मर गए और कितने इंजरीज हुई और वो कितने में मतलब कितने सीवियर इंजरीज हैं और कितने सिंपल इंजरीज हैं, वो सब देते हैं हम अपना डाटा देते हैं जब एक्सीडेंट होता है। तो रेलवे सर्वेंट इज द कंसिडर्ड टू हैव बीन इंजर्ड फ्रॉम रिटर्निंग टू वर्क एज ए रिजल्ट ऑफ इंजरी फॉर ए पीरियड ऑफ 48 आवर्स आफ्टर अकरेंस ऑफ द एक्सीडेंट। ठीक है, ट्रैवल इंजरीज कैपसाइज ऑफ व्हीकल। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये जो चैप्टर था इसमें से मेरे ख्याल से कम दो क्वेश्चन तो जरूर आएंगे, इससे कम तो नहीं आएगा। अब हम चाहेंगे, अब अगर आप लोगों की इजाजत हो तो 5 मिनट का रेस्ट ले लें, जरा पानी वानी पी लिया जाए। हाँ बॉस जी सर, 5 मिनट आप लोगों को मैं देता हूं और मैं भी ले लेता हूं यार, जरा इतना बात करने का मेरे को वो नहीं है, थोड़ा सा पानी उन्हें पी लेते हैं ना। हम लोग ज्यादा साइड पे बोलते नहीं है, बस शांत रहते हैं, देख के आ जाते हैं यार, है ना।
और ये शर्मा जी वगैरह की तरह अभी हम लोगों को आदत नहीं पड़ी है। ठीक है, 5 मिनट बाद मिलते हैं ना। ठीक 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 क्वेश्चंस का चैप्टर है, इसमें ऑब्जेक्टिव एक्चुअली 4 एटम है जो एक्सीडेंट के टाइम हमारा ऑब्जेक्ट होता है कि ये चीज हमें करनी ही करनी। ठीक है, और ये कोई खास मतलब ये इम्पोर्टेंट चीज है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे ऐसा तो नहीं लगता, लेकिन ये चीज बिल्कुल क्लियर है और हम जानते भी हैं कि हम वहाँ जाके क्या करेंगे। पहला काम क्या होगा, सेव लाइफ, एलिवेट सफरिंग, प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी, प्रोवाइड सपोर्ट एंड हेल्प ऑफ अफेक्टेड पैसेंजर, सर्टेन द काज ऑफ एन एक्सीडेंट। ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। सेफ्टी, ठीक है, एवरी रेलवे सर्वेंट हुज ऑब्जर्व दैट एनी सिग्नल इज डिफेक्टिव ऑब्स्ट्रक्शन ट्रेन एनीथिंग, ये ठीक है। जनरल ड्यूटीज ऑफ स्टेशन मास्टर, अब ये होता है ना एक्सीडेंट जब हो जाता है तो अलग अलग लोगों की अपनी अपनी ड्यूटीज डिफाइन है, चाहे स्टेशन मास्टर हो मतलब ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट हो या एसएनटी डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट के जो हमारा वर्कर हैं सबकी अपनी अपनी अलग अलग ड्यूटी है। स्टेशन मास्टर का ड्यूटी ये बताया हुआ है, गार्ड की ड्यूटी बताया हुआ है और लोको पैलेट सबकी अपनी अपनी अलग अलग ड्यूटी बताई गई है। ये अपन पढ़ सकते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है और हम जानते भी हैं क्या क्या हमारी ड्यूटी है। सारी ड्यूटीज ही लिखी है, ये इंपॉर्टेंट है। ज्वाइंट ऑब्जर्वेशन एंड ज्वाइंट रीडिंग, ये जब कोई भी इंसिडेंट हो जाता है तो जो कंसर्न डिपार्टमेंट के हमारे सीनियर्स सुपरवाइजर्स और इंस्पेक्टर्स होते हैं, ये लोगों का एक जॉइंट ऑब्जर्वेशंस बनता है जो सभी जो कंसर्न है जॉइंट रीडिंग लेते हैं, जॉइंट रीडिंग लेके और उसी के आधार पे जॉइंट ऑब्जर्वेशन अपना बनाते हैं। ये लिखा है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीनियर मोस्ट इंस्पेक्टर सुपरवाइजर, ठीक है। और एडिक्वेट नंबर ऑफ परफॉर्मा टू बी अवेलेबल इन ईआरटी, ठीक है। स्पॉट साइट सपोर्ट इज इंफॉर्मेशन, आगे आ रहे हैं इंपॉर्टेंट चीजें, आगे आ रही हैं अभी जो पूछे जाएंगे। हमें थ्योरी वही पढ़नी है जो हमें मतलब आ सकता है, बहुत ज्यादा चीजों में फंसने की जरूरत नहीं है।
देखिए उसी को इसने जो हमने ऊपर बताया था ना एक्सीडेंट, तो उसी को इन्होंने अलग अलग तरह से पूरा अच्छे से बताया हुआ है कि एक्सीडेंट एक कैटेगरी में इन्होंने रखा है कंसिक्वेंशियल अदर ट्रेन यार्ड एक्सीडेंट, अदर अकरेंस में इंडिकेटिव इक्विपमेंट अनयूजुअल। फिर कंसिक्वेंशियल को उन्होंने मैंने जिसे बताया था A1 to A4 वही इसी को डिटेल में बताया है इन्होंने, है ना। और ये मेरे ख्याल से हम लोगों को इसी के आधार पे पढ़ना चाहिए, ये सिंपली याद हो जाएगा और समझ में भी आएगा। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि क्लास एक कोलिजन जो होते हैं उसमें शेड्यूल इंक्वायरी किस लेवल की करी जानी चाहिए, है ना। तो इसको भी थोड़ा सा आप लोग ये और ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर कॉलम और चौथा नंबर कॉलम ये जरा पढ़ लीजिएगा। ये वो क्वेश्चन यही दे देंगे सीधा सीधा, वो उनका क्वेश्चन रहेगा कि जैसे कोलिजन इन्वॉल्विंग ट्रेन कैरिंग पैसेंजर नॉट फॉलिंग अंडर एवन एबव, नहीं ये नहीं, ये जैसे ये दे दिया ट्रेन कैरिंग पैसेंजर लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ ग्रेवियस हार्ड डैमेज टू रेलवे प्रॉपर्टी इतना इतना, ये सब दिया हुआ। तो ये एसए ग्रेड एसएजी ऑफिसर ज्वाइंट इंक्वायरी, ठीक है। अगर देखो ऐसे तो कोई भी एक भी बंदा एक्सपायर्ड हो गया इस तरह की चीज हो गई तो सीआरएस इंक्वायरी तुरंत ही खड़ी हो जाती है, लेकिन अगर सीआरएस नहीं करना चाह रहे तो एसएजी ग्रेड की इंक्वायरी होगी, ठीक है। इस तरह की चीजें आपको थोड़ा सा मिला के पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। क्वेश्चन दिए तो नहीं है लेकिन दे भी सकते हैं क्योंकि अब सीबीटी का एग्जाम अलग तरह का है, इसमें दे भी सकते हैं। अपने अगर पटर में रहता ये इस तरह का क्वेश्चन कभी दिया नहीं हम लोगों को, लेकिन सीबीटी में दे सकते हैं। ये सारी चीजें वही है, अलग अलग सब बाइफरकेशन है। रिपोर्टिंग ऑफ एक्सीडेंट एंड अदर अकरेंस, रिपोर्टिंग ऑफ एक्सीडेंट देखिए इसमें ये चीजें बिल्कुल डिफाइन है कि सेक्शन कंट्रोल को जब खबर मिलती है तो वो क्या करता है, तो उसका जो है कि काम ये पूरा है, और डिप्टी टीएनएल का पंक्चुअलिटी वाला जो होता है वो उसका स्पेसिफाइड ड्यूटी दी हुई है। ये थोड़ी थोड़ी आप लोग एक नजर देख लेना। आगे बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाले हैं जो बिल्कुल आना ही आना है, वो ऐसा पॉसिबिलिटी रहती है, तो हम ज्यादा टाइम उसी पे फोकस करेंगे। ये तो आपको मैं, हाँ देखो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर ही आ गया, जहां हमें फोकस करना है वहीं मैं ज्यादा ध्यान दूंगा, जहां जरूरत ज्यादा जरूरत नहीं है आप पढ़ के थोड़ा सा नॉलेज ले लेना बाकी जगहों पे। देखिए रिलीफ एंड रेस्क्यू इक्विपमेंट, इसमें से क्वेश्चन आता है द एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट ARME स्किल 1 एंड ऑक्सिलरी बैंड आर स्टेबल इन स्टेशन यार्ड।
the function of army scale, one is to carry medical equipment and personnel to the site for prompt medical relief. The auxiliary van has provision of emergency tools for extricating the injured person from debris, etc. The list of stations where army auxiliary van is stable is given appendix A. In case of accident involving a likely to involve injuries, site immediately. देखिए कई चीज इसमें दिया हुआ है कि आर्मी स्केल 1-2 जो होती हैं, जो बड़े बड़े स्टेशन होते हैं ना हमारे, वहां पे एक रूम में जो रिक्वायर्ड हमारी जरूरत है कि मतलब अगर एक एक्सीडेंट हो जाता है, जरूरी जो चीजें हैं वो क्या बोलते हैं उसको, इनिशियल जो हमारा ट्रीटमेंट होता है उसके लिए उसमें सामान रखी रहती है और पेटी में भर के रखी रहती है वो, तो हम बाई रोड वहाँ क्विकेस्ट में जब तक हमारी आर्मी और एआरटी आएगी तब तक हम उसके पहले ही जो है कि वहाँ जाके हमारा ट्रीटमेंट मतलब हम पैसेंजर्स को दे सकते हैं और प्राइमरी जो हमारा ट्रीटमेंट है हम उनको दे सकते हैं। तो इसलिए आर्मी स्केल 2 ये सब जो है हमारे बड़े बड़े स्टेशन पे एक रूम में बॉक्स में भर के रखा रहता है। तो ये चीजें एक हो गई, लेकिन दूसरा हमारा जो है मेडिकल रिलीफ वाहन जो है वो साइडिंग में खड़ी रहती है। ये गाड़ियां एआरटी है वो भी जो है कि यार्ड में रहती है या साइडिंग में रहती है, तो ये इनका क्या है, मतलब हमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका साइडिंग से निकलने का टाइम जो कहीं कहीं एक ही साइड से निकलने का होता है, कहीं कहीं दो साइड से निकलने का होता है, मतलब जिसको सिंगल एग्जिट बोलते हैं और दूसरे को डबल एग्जिट। डबल एग्जिट का मतलब दोनों तरफ से निकलने का, चाहे वो इधर से जाना चाहे डाउन साइड से जाना चाहे, चाहे अप साइड से जाना चाहे, मतलब दोनों साइड से उसको निकलने के लिए फैसिलिटी जहां प्रोवाइड हो उसको डबल एग्जिट कहते हैं, जहां सिंगल से है वहां सिंगल एग्जिट। तो ये टारगेट टाइम फॉर टर्निंग आउट ऑफ मेडिकल रिलीफ वन फ्रॉम द साइडिंग एंड देयर डिस्पैच फ्रॉम द स्टेशन, अगर डबल एग्जिट है, देखिए इसको आप लोग बड़े गहराई से पढ़ना कि टर्निंग आउट और डिस्पैच, अगर वो टर्निंग आउट ही सिर्फ बोले तो वो 15 मिनट है और वो बोले टाइम फ्रॉम ऑर्डरिंग टू डिस्पैच तो वो 20 मिनट हो जाएगा, 5 मिनट उसमें डिस्पैच का इंक्लूड कर देंगे। तो ये डबल एग्जिट का है, लेकिन अगर सिंगल एग्जिट है तो वो 30 मिनट हो जाएगा, जो ये 15 मिनट था उसको हम 10 मिनट और बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये हमें याद कर लेना है, इसको क्वेश्चन अक्सर आता है, ठीक है। अब टारगेट टाइम फॉर टर्निंग आउट ऑफ एसपी आर्मी कम स्पॉट, इसका इन्होंने टाइम दिया है, देखिए टाइम टर्निंग आउट 10 मिनट और डिस्पैच 10 मिनट, ये क्या है, इन केस ऑफ डबल एग्जिट है ऑर्डरिंग टू डिस्पैच 20 मिनट है, और इन केस ऑफ सिंगल एग्जिट ये 30 मिनट है, ठीक है। ये चीजें किसके लिए थी, मेडिकल रिलीफ वन, जिसमें हमें खाली हम पैसेंजर्स को ठीक करने का, उनको प्राइमरी इलाज मुहैया कराने के लिए हम साइट पे भेज रहे हैं। तो एक मेडिकल रिलीफ वैन होती है और दूसरा सेल्फ प्रोपेल्ड जो हमारा ये मेडिकल कम स्पार्ट जिसको हम बोलते हैं वो वैन होती है, तो वो पूरा उसका टाइमिंग ये 20 मिनट और 30 मिनट है, और यहाँ भी 20 मिनट और 30 मिनट में थोड़ा सा अंतर है, डिस्पैच में अंतर है और इसमें टर्निंग आउट में भी थोड़ा अंतर है। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए ये तो दोनों हो गई, खाली हमारा मेडिकल वाला सिस्टम साइड पे भेजने का, लेकिन जो हमारी लाइंस या हमारा जो है कि सिस्टम जो चाहे वहाँ सिग्नल का हो चाहे ओएचसी का हो, ये सब चीजें अगर हमारा वहाँ रेस्टोरेशन करना है तो उसके लिए हमारी जो गाड़ी भेजी जाती है उसको कहते हैं एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। हालांकि इसमें भी मेडिकल की चीजें रहती हैं, लेकिन उतना नहीं, बस थोड़ी थोड़ी बहुत चीजें होती है और फिर
ज्यादातर कम्युनिकेशन के सिस्टम और मैकेनिकल का रेस्टोरेशन का सिस्टम, इलेक्ट्रिकल का रेस्टोरेशन का सिस्टम और एसएनटी का, और फिर इनका अपना होता है क्या नाम है इंजीनियरिंग का। तो ये गाड़ी बहुत ही काफी लंबी ट्रेन होती है, फुल लगभग इसमें बहुत सारी चीजें होती है, इसमें स्लीपर्स भी होते हैं, इसमें बहुत सारा एटम जो होता है जो रेस्टोरेशन से रिलेटेड होता है। तो इसका जो टाइम है ड्यूरिंग डे और नाइट दिया हुआ है। डे के टाइम में हमारा जो है कि इसका डिपार्चर टाइम फ्रॉम ऑर्डरिंग टू डिपार्चर 45 मिनट है डे टाइम का, लेकिन रात टाइम को थोड़ा सा बढ़ा दिया उन्होंने, 60 मिनट दे दिया। तो ये 45 मिनट मतलब एआरटी का आप याद रखना, ये जरूर याद रखना, ये क्वेश्चन अक्सर 99% आता है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, साउंडिंग ऑफ एक्सीडेंट अलार्म सिग्नल शूटर्स साइरन्स। तो दोस्तों जैसे वो आपने याद करा, हालांकि उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसको हम नहीं कहते, उससे थोड़ा कम इंपॉर्टेंट ये है, लेकिन है जरूर कि अगर हमारे जो एक्सीडेंट हो जाता है कुछ इस तरह की चीजें होती है तो हमारा हूटर बचता है, तो उसका एक लॉन्ग ब्लास्ट होता है, फिर उसके 45 सेकंड के ब्लास्ट, उसके टाइमिंग तो 45 सेकंड का सबका होता है, लेकिन कितनी बार होगा वो ड्यूरेशन वो दिया हुआ है कि अगर दो होगा टू लॉन्ग ब्लास्ट ईच ऑफ 45 सेकंड्स, ड्यूरेशन 5 सेकंड होता है, ड्यूरेशन जो होता है 5 सेकंड्स ब्रेक इन बिटवीन। अच्छा, दो मतलब 45 सेकंड का वो रहता है, मतलब ब्लास्ट वो पीरियड रहेगा, और 5 सेकंड के अंतर पे, ठीक है। तो ये अगर दो ही ब्लास्ट है तो उसका वो क्या कहता है कि एक्सीडेंट जो हुआ है वो लोको सेट में ट्रैफिक यार्ड एट होम स्टेशन रिक्वायरिंग मल्ली एआरटी। दो ही लॉन्ग ब्लास्ट होंगे, 5 मिनट का अंतर होगा और 45 सेकंड तक वो हूटर बजेगा, तो समझ लो कि मतलब ये लोको सेट ट्रैफिक यार्ड या होम स्टेशन रिक्वायरिंग खाली एआरटी जरूर। लेकिन अगर 3 लॉन्ग ब्लास्ट होगा तो क्या होगा, चार लॉन्ग ब्लास्ट तो लॉन्ग होगा कोई, या तो इस तरह से पूछ देगा कि 4 लॉन्ग ब्लास्ट किसके लिए, अगर 4 लॉन्ग ब्लास्ट एक्सीडेंट के पीरियड में होता है तो उसमें एआरएमई की जरूरत होगी या एआरटी की जरूरत होगी, खाली एआरएमई की जरूरत होगी, खाली एआरटी की जरूरत होगी, या दोनों की जरूरत होगी, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। और 1 लॉन्ग ब्लास्ट ऑफ 90 सेकंड ड्यूरेशन अगर होता है, एक लंबा खाली एक ही लॉन्ग ब्लास्ट होता है, तो कैंसिलेशन ऑफ एआरएमई एंड एआरटी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अच्छा, ज्वाइंट ऑब्जर्वेशन ये आता है गुरु, ये ज्वाइंट ऑब्जर्वेशन किया जाता है क्वार्टरली बाय ऑल ऑफिसर्स, लेकिन जो एससी लोकोस एंडर अदर सुपरवाइजर इंचार्ज ऑफ एयरमी आरटी आर रिस्पॉन्सिबल छो दिस आर फुल्ली कुल। अच्छा, एक क्वेश्चन और आया था यार पिछली बार कि ऑफिसर्स का तो क्वार्टरली रहता है इंस्पेक्शन,
लेकिन ऑफिसर्स अच्छा डिविजनल असेंबली इंजीनियर इज रिस्पॉन्सिबल टू इंश्योर टेलीफोन मार्केटिंग ठीक है ये तो याद ही रखना आप लोग मेडिकल ऑफिस नहीं सॉरी मेडिकल ऑफिसर नहीं इंफेक्शन अच्छा ये इम्पोर्टेंट है देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि एरमी स्केल वन या टू जो भी हो इसकी दो चाबियां होती है एक चाबी मेडिकल ऑफिसर के पास होती है जो भी इंचार्ज होता है वहां का या नजदीक जहां भी वो रहता है उसके पास रहती है एक चाबी स्टेशन मास्टर के पास जो ग्लास मतलब ग्लास केस में होती है बिल्कुल साफ सुथरी दिखाई देती है तो ये कभी भी ऐसा होता है तो इसके एरमी स्केल टू या वन अगर है वहां तो किसी किसी को तो पता ही नहीं रहता है कि मतलब कि इसकी चाबी किसके पास होती है एक चाबी स्टेशन मास्टर के पास एक चाबी मेडिकल ऑफिसर के पास क्योंकि हमने ये देखा है कि एक आध बार जो है कि इंस्पेक्शन हुआ है और चाबी मांगी गई है तो चाबी पता ही नहीं कि मतलब कहां से लाना है पोमका का फुल फॉर्म पूछ देते हैं दोस्तों पोमका का फुल फॉर्म है पोर्टेबल मेडिकल किट फॉर एक्सीडेंट ये स्टेशन पे रहते हैं जैसे सिमिलर वो एरएमई स्केल 1-2 है वैसे ही ये भी मॉक ड्रिल्स हर डिवीजन में किए जाते हैं और ये चेक करते हैं कि मतलब कि हमारा स्टाफ कितना रेडी रहता है कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट हो जाने पे कितना रेडी रहता है तो हम कभी कभी टाइम पीरियड क्या रहता जी है? उसका कितने टाइम में होता है? हाँ वो बता रहे हैं उस पे आ रहे हैं क्वेश्चन वही आएगा हमको मॉक ड्रिल का क्वेश्चन वही आएगा ड्यूरिंग सच ड्रिल्स मेडिकल मान गए ये रिलीफ ऑर्डर अटेंडेंस इतना 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 वांटेड रिकॉर्ड शुड बी केप्ट इन फॉलो ठीक है ट्रायल रन्स ये ट्रायल है कि मतलब स्टेशन फॉर मोर देन 1 मंथ एक महीने में एक बार नहीं हमारे यहाँ तो हर सैटरडे को होता है व्हीकल कंसोलिडेटेड इंस्पेक्टेड टेस्टेड नॉन रन्स फिटनेस ट्रायल रन्स आरएमईआरटी सूट दीज हैव नॉट बीन यूज्ड आउटसाइड बेस और मोर देन 1 मंथ अच्छा ठीक है ये कुछ नहीं वो वाली आपको असली जो चाहिए एक महीने में आउटसाइड रन करती है सर 6 महीने का मेरे ख्याल से है वो मैं कंफर्म देखे इसमें मिलता है तो ठीक है नहीं तो आपको कंफर्म उसका एक शेड्यूल है वो डिजास्टर मैनेजमेंट में है वो मैं आपको दे दूंगा है ना ठीक डिजास्टर मैनेजमेंट में है वो पूरा क्लियर उसका शेड्यूल है इसमें शायद नहीं दिया है ना ये चीज मैं दे दूंगा शर्मा जी को दे दूंगा आप लोग उसको ले लेना है ना या ग्रुप में मेरे को जो ऐड किया है तो मैं हो सकेगा तो शाम तक दे दूंगा आप लोग ठीक वो गलत नहीं बताने का जो चीज देने का सही देने का ठीक हमें अंदाजा है कि 6 मंथ का है और ईयरली का एक ईयरली का भी है वो अलग अलग दोनों का कैटेगरी है बताऊंगा एक हमारा जो होता है वो ईयरली जो होता है वो हमारा ये जो क्या होते हैं ये जो फोर्स वाले होते हैं ना उनको क्या बोलते हैं एनडीआरएफ नेशनल
और जो एक ये होती है कंट्रोलिंग स्टेशन अरे तो टाइप ऑफ एक्सीडेंट अमाउंट ऑफ अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जरा नोट कर लेना, मैं थोड़ी फास्ट जाऊंगा अन्यथा वो पहुंच नहीं पाऊंगा वहां तक। आप नोट करते जाओ जो मैं बताता हूँ 715A, ये एक्स रेशिया जो अमाउंट है ना वो इन केस ऑफ ट्रेन एक्सीडेंट डिफाइंड अंडर इतना इतना है, इतना ट्रेन एक्सीडेंट में अमाउंट एक्स रेशिया फॉर डेथ के लिए इतना 50,000 25,000 ग्रीवियस इंजरी और सिंपल इंजरी के 5,000। तो ये अलग अलग है, एलसी गेट के भी अलग है, इसके भी अलग है, वो तो उसको जरा सा आप लोग देख लेना यार, ये अमाउंट कभी कभी पूछ देता। एक मिनट, इंपॉर्टेंट है ये। सीरियस एक्सीडेंट, ठीक है। ये ड्यूटी सबकी आ गई है ना, इसमें कुछ अपने को वो करने की नहीं, खाली एक बार पढ़ लेने का बस, किसकी किसकी क्या ड्यूटी है साइट पे, वो सब चीजें चेकलिस्ट है, ड्यूटी लिस्ट है, ये खाली एक बार पढ़ लेने की जरूरत है ना। जहां आएगा कि मतलब यहां आपको ध्यान देना है, मैं वहीं रुक जाऊंगा। एक्चुअली क्या यार, ये तो साला कम से कम एक क्लास में ही होना चाहिए तभी पॉसिबल है, नहीं तो ये तो इतना बड़ा चैप्टर है ना कि डिजास्टर मैनेजमेंट को पूरा लेके बैठा हुआ है। ड्यूटीज ये हो गया, ठीक है, योजना रेलवे मैनेजर, ठीक है, ये कोई रिलेटेड नहीं है, कोई बहुत ज्यादा वो नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है, सब हिस्ट्री दिया हुआ, डूज और डोंट्स की अभी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। पेंशन पाया, अच्छा ये वही इंक्वायरी है जो ऊपर बाइफर्केशन के साथ दी हुई है, उसका इन्होंने डिटेल यहाँ पे दे दिया है ना, ये पूरा डिटेल इन्होंने दिया है, ये डिटेल खाली पढ़ने की जरूरत है। देखिए A1-A4 वही चीज मैंने जो बताया था, ऊपर सब यही नीचे आ रहा है, इसको डिटेल रूप में इन्होंने बताया है पूरा लिख के, है ना। हाँ यार, ये जरा देख लेना आप लोग, है ना, कि कोई भी एक्सीडेंट हम होता है तो उसमें नीचे लिखा रहता है D+3, अक्सर लिखा जाता है D+3, ये मतलब जिस दिन का एक्सीडेंट था, D4 क्या है, डेट ऑफ एक्सीडेंट, और D
डेट ऑफ एक्सीडेंट से तीन दिन और मिला के इस दिन जो है कि आपको रिपोर्ट जो है कि कंसर्न जो भी ऑफिसर एंटाइटल है जिसके पास मतलब कि वो है आपको रिपोर्ट भेजनी है, चाहे सीनियर डीसी हो चाहे डीआरएम साहब हो चाहे जीएम साहब हो, तो ये रिपोर्ट डी मींस कभी पूछ देगा कि जो एक्सीडेंट के लैंग्वेज में डी प्लस थ्री का मतलब क्या है, तो डी फॉर डेट ऑफ एक्सीडेंट है ना, थ्री मतलब तीन दिन और उसमें एक्सीडेंट से तीन दिन और जोड़ लो, तो उतने समय में इंक्वायरी जो है कि डीआरएम या जीएम या सीनियर डीसी के पास आ जानी चाहिए या पीसीएसओ एजीएम के पास चले जाने चाहिए। लेकिन अलग अलग उसके वो दिए हुए हैं, डी प्लस 90 क्या होता है, डीआर एक्शन अगेंस्ट रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर टू बी कंप्लीटेड, डी प्लस 19 और डी प्लस 20, तो ये सब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड है, जरा इसको एक बार पीला एनालिसिस ऑफ एक्सीडेंट, ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड, ये सब जरूरत नहीं है। ये क्या है, इंक्वायरी वगैरह से रिलेटेड चीजें दिया हुआ है कि कौन कौन किसी इंक्वायरी है उसमें क्या क्या आगे चीजें होती हैं, ये पढ़ने का वो है, बाकी पूछने के तो जो थे काफी तीन चार क्वेश्चन तो ऊपर से बन जाएंगे, मेरे अनुसार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल ये तो ठीक है यार, इसका कोई इश्यू नहीं। आवर्स वगैरह तो ठीक है यार, कोई नहीं, जनरली सस्पेंशन ऑफ ट्रैफिक, रिटर्न्स कुछ नहीं, लायबिलिटी आप नो, आप लोग अपना टाइम ज्यादा नहीं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसी पे फोकस करना, और मैंने चार पांच चीजें जो ऊपर बताई है ना उस पे ही ज्यादा फोकस करना, और बाकी नीचे कुछ दिख नहीं रही है मेरे को, इतना कोई खास चीज दिख नहीं रहा। देखिए स्पेड वाला जो मैं बताया था ना आप लोगों को, क्योंकि स्पेड के जो डिफरेंट वो पेनाल्टीज हैं वो किस आधार पे दिए हैं वो इसमें डिफाइन करके बताया हुआ है, एक अमेंडमेंट स्लिप आई थी सब दिया हुआ है। ये क्या है, देखिए रेलवे डिजास्टर के बारे में इन्होंने एक्सीडेंट में दिया है जो मैं ऊपर पढ़ा चुका हूँ, है ना, कि क्या है वो, ये डेफिनेशन मैंने बताया था और वही चीजें सब
डिजास्टर मैनेजमेंट की चीजें भी इसमें डाल दिया। और ये उसमें पूछता था उस में वही है जो तो दे सकते हैं जितना मेडिकल वो रिकवरी के लिए मेडिकल असिस्टेंट इंजर्ड पैसेंजर से उनको दे सकते हैं पहले फर्स्ट घंटे के अंदर, वही गोल्डन आवर होता है जिसको डिटेल रूप में ये बताया। तो ये कोई परिभाषा पूछने वाले नहीं है, यही होगा कि मतलब गोल्डन आवर क्या होता है। तो उसमें तीन चार कलम देगा कि तो फर्स्ट टू आवर में पीरियड में जो रेस्टोरेंट ये मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है उसको कहते हैं तीन घंटे में चार घंटे में, और चौथा कर देगा एक फर्स्ट वन आवर, तो वन आवर ही हमारा सही आंसर होगा। इस तरह का एक क्वेश्चन बना सकता है। देखिए ये थोड़ा आप लोग पढ़ लेना दोस्तों, मैं बता दूं कि इम्पोर्टेंट है कि इंटीमेशन ऑफ एक्सीडेंट डिविजनल कंट्रोल ऑफिस जो है वो किस सीरियल से कैसे जो है वो करता है, ये पूरा उसमें दिया हुआ है ना, इसको पढ़ लेना, हो सकता है क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। अच्छा ये जरा इस साइट मैनेजमेंट प्लान जो है ना, इसमें यूनिफाइड कमांड सेंटर यूसीसी होता है, और फिर एक नीचे आएगा वो रहेगा एलसीसी, एक सीएसी होता है। ये तीन तरह का अरेंजमेंट हम साइट पे करते हैं। वो क्यों करते हैं कि जो हमारा बचाव का सिस्टम रहता है तो वो एक इस सिस्टम के अनुसार हमारा कैंप लगता है साइट पे। पहला मेडिकल का होता है, दूसरा फिर ऑपरेटिंग सेफ्टी सिक्योरिटी, ये एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, इसी के अनुसार हमारा जो है कि साइट पे सारे वो लगते हैं। तो सबको पता रहता है कि मतलब कि अगर इस तरह के कभी नहीं लगते हैं तो इस पे उंगली उठती है कि मतलब कि ये ऐसा क्यों नहीं किया गया, क्योंकि सबको ये पता रहता है कि पहला मेडिकल तो पहला मेडिकल की तरफ वो ऐसे ही भागेगा कि पहला मेडिकल ही होगा यार। तो हम वहाँ मेडिकल की तरफ गए तो पता चला वहाँ तो सिक्योरिटी वाला बैठा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा सिस्टम एक सिस्टमेटिक सिस्टम बनाया हुआ है कि यूसीसी के अनुसार यूनिफाइड कमांड सेंटर जो हमारा वो होता है वो इसके अनुसार बैठाया जाता है। उसी तरह से हमारा एलसीसी होता है, लोकल कमांड सेंटर भी इसी तरह से बैठता है। फिर इसके बाद एक लास्ट होता है सीएसी कंबाइंड असिस्टेंट सेंटर, वो भी उसका एक सिस्टम होता है उसी के अनुसार बैठता है। तो इसमें पहला वाला जो वो चीज़ बताया था ना मैंने, ये वाला चीज़ थोड़ा याद रखना है कि पहला मेडिकल होता है कमर्शियल ऑपरेटिंग सेफ्टी, फुल फॉर्म यूसीसी के फुल फॉर्म क्या है, एलसीसी का फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, मे भी पूछ सकता है, इसको पढ़ेंगे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये जहाँ एक्सीडेंट होता है इसी के हिसाब से हमारा जो है कि सिस्टम साइट पे प्रोवाइड कराया जाता है। मीडिया मैनेजमेंट प्लान जो है, ये चीज सबको ही पता है कि सीपीआरओ एंड हिज टीम विल कलेक्ट व्हाटएवर इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम डिजिटल कंट्रोल ऑफिस, फर्स्ट इंफॉर्मेशन विल बी रिलीज्ड